फोन आया तो यहाँ की चोट लगी है, मतलब जो यानी कि चोट ही हमको तो इतना ही मालूम पड़ा यानी कि एक दो घंटे जो यानी कि मतलब चोट लगी है। चलो चोटें लग भी जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इधर तक हमको ये मालूम नहीं था कि यहाँ की ये चोट जो है कुछ ज्यादा ही बहुत ही ज्यादा मतलब जान तक की चोट है। मतलब बाकी जो फिर हम दरअसल में जो उसी दिन पता चल गया था, लेकिन एक दो घंटे के बाद मालूम पड़ा था कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। लेकिन फिर उसके बाद जो सुनने में आ रहा था ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो हमको जो है हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारा बच्चा जो इतना मतलब कमजोर नहीं था, क्योंकि घर में भी जो हम देखते थे कि वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क था और परिश्रम नहीं था, और छोटी मोटी तकलीफों से जो है ना कि मतलब इतना यानी गलत नहीं कर सकता था। ये तो हमको विश्वास हम सोच भी नहीं सकते हैं कि यहाँ के हमारा बच्चा जो गलत है। हर किसी का जो दिल जो है टूट जाएगा कि यहाँ की मैं अग्निवीर क्यों बनूंगा, इसके लिए जो मतलब जो है ना कि मेरे को इंसाफ मिले। बाकी जो मेरे को जो किसी से दिक्कत कोई नहीं है, किसी से कोई परेशानी नहीं है कि यहाँ की किसी ने मेरे बेटे के साथ ऐसे किया। मुझे बस इंसाफ मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी बस इस बात पे गौर करें कि यहाँ की हकीकत क्या है क्या नहीं, और एकदम जो क्लियर बात हो जाए। लेकिन सर हमारा ये अनुरोध है सरकार से, सबसे आदमी वालों से, हम शिकायत किसी का क्या है, लेकिन ये है कि हमको पता तो लगना चाहिए कि इंसाफ मिलना चाहिए। मैं बात की एक साल 11 महीने हो चुके थे, तो ऐसा तो है नहीं कि अब 8 महीने से घर से गया हुआ है उनके पास, तो उन्होंने एक बार भी फोन नहीं किया हमको कि ऐसी कोई बात है या घर भेजा छुट्टी भेजा। उन्होंने कि हम बात करते हैं अपने से, डेली हमारी बात होती है, अगर हमारी कोई रिकॉर्डिंग होती है वो भी चेक कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन वही है कि हमारे सरकार से ये अनुरोध है कि हमको इंसान मिले, कि लोगों का रोजगार बना रहे हैं, बंदों का ध्यान बना रहे हैं। लास्ट टाइम कब हुई थी आपकी? मेरी सर लास्ट टाइम हुई थी मतलब 16 जुलाई को मेरी बात हुई थी, रात को 10:30 बजे में ड्यूटी जाने वाला था उस टाइम बात हुई थी, मैं रात को 7:30 तो बात नहीं हुई थी। अखिल क्योंकि आप भाई और दोस्त अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।